So this is your question number one of exercise 14.2. We are given the following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. Age we are given in years. So aapka jo answer aayega, in that you are to write down the unit years. So this is 5 to 15, then 15 to 25, 25 to 35, up to 65 humne jana hai. 35 to 45. 45 to 55 and 55 to 65. The corresponding frequencies we are given, that is 6, 11, 21, 23, 14 and 5. चलिए, अब उसने हमें क्या कहा यहाँ पे? Find the mod and the mean of the given data. Above, compare and interpret the two measures of central tendency. हमने क्या करना है, इनके डेटा जो है पहले मॉड निकालना है, फिर मीन निकालना है, देन उनके डेटा को हमने क्या कंपेयर करना है कि मीन कितना आ रहा है और मॉड कितना आ रहा है. यू विल सी कि जो आपका मीन आएगा दैट विल बी लेस देन द मॉड. चलिए, नाउ यू विल टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओवर हियर इन दिस डेटा, विच फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम. एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट एंड गिव मी द आंसर. या दिस वन इज 23, फोर्थ वन जो है दैट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले को आपने हाईलाइट कर देना है इन दिस वे, दिस इज योर मॉडल क्लास. नाउ व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास? 35. Corresponding frequency of the model class. This is your model class. F1 will be the frequency of the model class, that is given to be 23. Now F0 jo hai aapka, that is the frequency of the preceding class, that will be 21. And the F2 जो है that is the frequency of the class succeeding the model class, 14. So that will be 14. So now we are having L, F0, F1, F2. What we need else, that is H. H is the difference. Class width की हम बात कर रहे हैं. So that is 45 minus 35, that is 10. Now all values we are having, simply we are to put the values and get our answer. Mod वाले questions जो हैं आपको सबसे easy लगेंगे. रीजन बीइंग कि सब कुछ इसमें हमें गिवन होता है, जस्ट वी आर टू फाइंड आउट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एल. उसका जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ F1. प्रीसीडिंग वन इज F0, सक्सीडिंग वन इज F2, एंड जो क्लास विड्थ है उसकी, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस, That gives you the value of H. सभी values आ गई मेरे पास. Simply अब formula नहीं learn है तो question गया आपका. So you have to take care of this कि formula आपको learn होना चाहिए. Simply what we are to do, all the values we are to put over here and do the calculations. इसमें सिर्फ calculations हैं आपकी, nothing else. So mod is equal to L is 35, then plus F1 minus F0, that is 23. माइनस 21 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 दैट इज 46 माइनस F0 दैट इज 21 माइनस F2 दैट इज 14. ऑल दिस मल्टीप्लाइड बाय 10. अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 35 प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा 46 माइनस 35, तो दैट इज 11 इंटू 10 हो गया ये 20 अपॉन 11. 20 अपॉन 11 को आप सिंप्लीफाई कर लोगे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.8. तो 35 प्लस 1.8 दैट इज 36.8. यानी कि जो मॉड आया दैट इज 36.8 अप्रोक्सीमेटली, यानी कि रिक्वायर्ड मॉड वैल्यू इज 36.8 ईयर्स. ये ईयर्स में गिवन था तो यहाँ आ गया. अब एक चीज का और आपने ध्यान रखना है, देखो जो भी यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी That will lie in between this. 35 से 45 के बीच में lie करेगी, क्योंकि ये हमारी मॉडल क्लास थी. तो यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो ऑलमोस्ट करेक्ट हैं.
अगर यहाँ मान लो आपने 37 कर दिया डिवाइड, दैट इज ऑल्सो लाइंग इन बिटवीन दिस, बट दैट वैल्यू इज रॉन्ग. तो मेन जो यहाँ पे है, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, कैलकुलेशंस ध्यान से करनी है, अदरवाइज ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. अब इसी में उसने क्या कहा, यू आर टू फाइंड आउट द मीन, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, द सेम वे द सेम स्टेप्स यू विल फॉलो, दैट यू विल डू योर सेल्फ. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू में अगेन वी आर गिवन अ डेटा, फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. हमें गिवन है 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और उनका जो है लाइफ टाइम जो है वो इन आवर्स हमें गिवन है. 0 से 20 आवर्स लाइफ टाइम है जिनकी. ऐसे हमारे पास आइटम्स जो है दैट आर 10 इन नंबर, 20 to 40 आवर्स लाइफ टाइम है जिनका, दैट आर 35, 40 to 60, 52 एंड सो ऑन. डिटर्मिन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स. अब यहाँ ध्यान देना कि जो आपको डेटा गिवन है दैट इज गिवन इन आवर्स, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल ऑल्सो बी इन आवर्स. और यूनिट जो है वो साथ में आपने जरूर लगानी है, अदरवाइज हाफ नंबर डिडक्ट हो जाता है. सो द डेटा वी आर गिवन लाइफ टाइम है इन आवर्स. और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, अप टू 120. 20 20 की डिफरेंस में लेंगे हम. हंड्रेड टू 120 दिया. म्यूट योर सेल्फ बेटे. दिया अरोड़ा. नाउ फ्रीक्वेंसीज जो है कॉरेस्पॉन्डिंग, दे आर गिवन टू बी 10, 35, 52, 61. देन 38 एंड 29. चलिए जया, म्यूट योर अनम्यूट योर सेल्फ. जया you are having the facility to unmute yourself. Jaya, unmute yourself and answer my question. What is the model class over here? पहले maximum frequency check करिए क्या है यहाँ पे. Your voice is not audible बेटा, speak a little bit aloud. मैम maximum frequency 52. Just a moment, let me increase the volume. Yes, बच्चे. दया, जया. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 52 है यहाँ पे. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 52. फाइव 52 के नीचे क्या नंबर लिखा है? 61 सर. हाँ, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 61, यानी कि दिस इज योर मॉडल क्लास. क्रिशान, व्हाट विल बी द लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास? क्रिशान अनम्यूट योर सेल्फ. यस मैम. व्हाट इज द लोअर लिमिट एल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल? 60. 60. Raghav, what will be the value of F1? Unmute करते जाओ बेटे, मैंने सबको ऑप्शन दी हुई है. राघव, अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ F1. बच्चे, हु सो एवर हैज रेज द हैंड, आई हैव गिवन यू द ऑप्शन टू अनम्यूट योर सेल्फ. You can unmute yourself if you are having any doubt, you can ask. Okay, Harshit, what will be the value of F1? Ma'am, 61.
Yes, 61. Jessica, what will be the value of F0? And those who are not answering from my side, they are not available 52. In the class. Diya, why you are answering? I have asked Jessica. जिसको मैं पूछ रही हूँ वही आंसर दे और इन बच्चों की मैंने एब्सेंट मार्क करनी है दोज हु आर नॉट गिविंग मी द रिस्पांस अगर नहीं भी आता तो अनम्यूट करके बोलो कि हमें नहीं समझ आया प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन बट इफ यू आर नॉट आंसरिंग फ्रॉम माय साइड यू आर नॉट मैम ये दोबारा बता दो विच वन बच्चे दोबारा देखो मैं शुरू से दोबारा करवा देती हूँ मॉड वाले क्वेश्चन में ये आपने फॉर्मूला लर्न करना है This is L plus F1 minus F0 upon twice of F1 minus F0 minus F2. हमने into H लेना है. इसमें L जो है आपका that will be the lower limit of the model class. Model class निकालने के लिए आपने क्या करना है? जो आपको statement given है, उसमें frequencies को check करो. Frequencies में जो भी आपकी सबसे बड़ी value है that will be the maximum frequency. उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका क्लास इंटरवल गिवन है दैट विल बी योर मॉडल क्लास तो ये हमारी पूरी जो है मॉडल क्लास आ गई मॉडल क्लास का जो फर्स्ट वाला नंबर है लोअर लिमिट जो है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एल जो उसकी फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की दैट विल बी द वैल्यू ऑफ F1 अब F0 क्या है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास अब यहाँ पे दिस इज योर मॉडल क्लास इससे प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है 52 यानी कि F0 की वैल्यू विल बी 52 अब F2 क्या है यहाँ पे दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास ये आपकी मॉडल क्लास है सक्सीडिंग मतलब उससे अगली वाली तो दैट इज 38 H इज द क्लास विड्थ ऑफ मॉडल क्लास अब मॉडल क्लास हमें क्या गिवन है 60 to 80 इसकी लोअर लिमिट जो है 60 है अपर लिमिट 80 है तो H मींस दोनों का डिफरेंस ले लेना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 80 माइनस 60 यानी कि H आ गया आपके पास 20 अब सिंपली सभी वैल्यूज हैं मेरे पास फॉर्मूला में पुट करनी है एंड आई विल गेट माय आंसर तो मॉड इज इक्वल टू L दैट इज 60 प्लस F1 माइनस F0 61 माइनस 52 ये वाले फॉर्मूला में मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ अब ट्वाइस ऑफ F1 ट्वाइस ऑफ F1 मतलब ट्वाइस ऑफ 61 दैट इज 122 माइनस F0 दैट इज 52 माइनस F2 दैट इज 38 मल्टीप्लाइड बाय द क्लास विड्थ सो दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 20 अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो यू विल बी हैविंग दिस एज 90 122 माइनस 90 ये हो गया आपके पास 32 इंटू 20 करोगे तो ये 180 आ गया कैंसिलेशन करके दिस विल गिव यू जब आप इसको डिवाइड करोगे तो दैट विल बी राउंड अबाउट 5.6 के करीब आएगा सो दिस विल बी योर आंसर सो अगेन यू कैन सी आर्स आगे आप यूनिट लिख दोगे कि 65.62 जो आपकी वैल्यू आई है दैट इज लाइंग इन बिटवीन दीज टू सो रिक्वायर्ड मॉड जो है आपका ऑफ द गिवन कंपोनेंट्स इज 65.62 आगे भी अगर डिवाइड हो रहा होगा तो आप कर लेना इसको ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा सो आई होप दिस वन इज क्लियर नाउ अगर नहीं समझ आया तो यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क अगेन इफ स्टिल द मेथड इज नॉट क्लियर You can ask again. Otherwise, moving on to question number 3 now. Question number 3 mein we are having following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model of monthly expenditure of the families. Also find the mean of the monthly expenditure. Mean nikalna hai aur pehle humne mod nikalna hai. Mean you will calculate yourself. मॉड मैं बता रही हूं सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3
we are given expenditure in rupees. And the corresponding number of families, that is F. Intervals 1000 to 1500, 5500 ke gap pe up to 5000. 1000 to 1500, 1500 to 2000. 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, then 3500 to 4000, 4000 to 4500, and 4500 to 5000. The corresponding frequencies are 24, 40, 33. 28, then 30, 22, 16, 7. Mansha, unmute yourself, bache. Mansha ke baad Navneet, then Nishtha, and then Rishit. Mansha, unmute yourself, bache. मैं सबके नेम्स लिख रही हूँ जो मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं. इट मीन्स दे आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास. नवनीत, अनम्यूट योरसेल्फ. Navneet Kaur, unmute yourself and answer me. Nishtha. Yes, ma'am. What will be the model class? Which class will be the model class and why? Ma'am, second one, because it is with the highest frequency. Yeah, highest frequency, maximum frequency over here is 40. So the class corresponding to this highest value will be the model class. Nishtha, what will be the value of L? Ma'am, 1500. Yeah, it's 1500. Lower limit of model class will be 1500. Fine. Now, Rishit, then Simon, and then Samaira, yeah, and then Taran. Rishit. Rishit ke baad. Yes. Just a moment, Rishit. Simon, then Smaira, and then Tarandeep. Rishit, yes. What will be the value of F1? Ma'am, 40. That will be 40. F0? 24. Next, kiska name tha, bete? Unmute karo apne aapko. Simon? Yes, ma'am. What will be the value of F2? F2, it's 33. 33, very good. Smaira, what will be the value of H? Smaira, if you are there, unmute yourself. And just this is just a fun ki aap log videos off karke, meeting on karke, just for the sake of attendance, aap present hote ho, otherwise you people are not there. Okay, next, Taran. Tarandeep, unmute yourself. Tarandeep, unmute yourself. Tejveer. Good morning, ma'am. Yes, good morning. जी, इतना टाइम लगता है तरन अपने आप को अनम्यूट करने में. अभी तो मैं वीडियोज नहीं ऑन करवा रही हूँ आपकी. चलिए, what will be the value of H? क्लास विड्थ क्या है?
ma'am, it's 500. Yeah, it's 500. So mod के लिए अब क्या करेंगे बेटे? What will be the next step? मैं फॉर्मूला लाएंगे. हाँ जी, क्या वैल्यूज पुट करूं मैं, बताइए मुझे. एल कितना है? दिस इज योर फॉर्मूला बच्चे, यहाँ पे हमने अब वैल्यूज पुट करनी है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? मैम एल इज इक्वल टू 1500. एल इज 1500. नेक्स्ट स्टेप प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो. मैम एफ वन इज इक्वल टू 40. एफ जीरो? F is equal, 0 is equal to 24. Upon me twice of 24. F1. F1 40 given hai. F0 or F2 kitne kitne given hai? 24 and 33. Next page, Veer, unmute yourself. Taran, you can mute yourself. Tejveer, I think he has left the meeting. Very good. Vishesh, unmute yourself. Dhruv Gupta. ध्रुव मेहता? यस मैम. हां जी, क्या आएगा यहाँ पे वैल्यूज? अब ये इज दिस कंप्लीट और समथिंग इज लेफ्ट? मैम इनटू एच आएगा, इनटू 500. या इनटू 500. नाउ सिंपलीफाई दिस एंड टेल मी द आंसर. मैम एक मिनट करूँ? या श्योर, ऑल ऑफ यू डू दिस दीज कैलकुलेशंस एंड टेल मी द आंसर. मैम 210 बाय 14 आ रहा. 200 210 by 14. By 14. By 14 कैसे आ रहा है बेटे? 23 तो ये बच रहा है आपका. ओ या मैम, मैंने वहां 42 ले लिया था. आगे वन डिजिट और निकाल लेना. सो दिस विल बी 1847.8. रुपीज. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3. If any doubt is there, then you can ask. Otherwise, question number 4, 5, and 6 are your homework parts. In the same question, you are to find out the mean also. So that is your choice. Calculations badi hain, to jo mean hai, wo aap assumed mean wale way se kar lena. So that will be better. Pehle aap excise nikal loge. 1000 और 1500, 1200 जो है 50 के करीब आएगा आपका, 1250 ही आएगा. देन नेक्स्ट वन वाला जो है दैट विल बी 1750, 5500 के गैप पे आता जाएगा. देन आपको फॉर्मूला पता है, एज्यूम्ड मीन जो भी कोई मिडल टर्म आपकी बन रही होगी वो ले लेना. देन डी आई इज एक्स आई माइनस ए, उनका सम्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसीज, और जो आपका अज्यूम्ड मीन था आप उसमें ऐड कर दोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मीन. इफ एनी डाउट इज देयर फ्रॉम एनी ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी हैव डन टुडे, सो यू कैन आस्क. अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 4, 5, and 6 आर योर होमवर्क पार्ट्स. एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट विल बी द मीडियन. उसमें भी ऐसे ही है सेम, जस्ट आपको वहां पे क्यूमुलेटिव
फ्रीक्वेंसी वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो मैं बता दूंगी. और सेम फॉर्मूला अगर आपको आता है तो यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस, नहीं आता तो वैल्यूज ऐसे ही उसमें हैं, फाइंड आउट करनी है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. 14.1 का थर्ड क्वेश्चन करना है. 14. या थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वन इज लेफ्ट. तो इन केस अगर बेल हो भी गई तो कंप्लीट करके देन यू विल लीव द मीटिंग. क्वेश्चन नंबर 3 हमारा था एक्सरसाइज 14.1 का. उसमें हमें अननोन फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो कैलकुलेट करनी है. सेम जो मेथड हम फॉलो कर रहे थे दैट मेथड वी विल फॉलो. जहां पे मल्टीप्लाई करना है उसमें साथ में एफ लग जाएगा, जहां पे आप ऐड कर रहे हो वहां पे साथ में प्लस एफ कर दोगे. सो द हमें गिवन है डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीस. And the corresponding number of children, F ही ले रही हूँ मैं इसमें. यहाँ पे daily pocket allowance देखो आपको given है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19 and so on. मैं direct इसका xi लिख रही हूँ क्योंकि time कम है. तो xi जो है इनके mid points, 11 और 13 का mid point will be 12, 13, 15 का will be 14, 15, 17 का 16 and so on. So this will be 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 तक. And corresponding जो frequencies हैं हमारे पास 7, 6, 9, 13, F and 5, 4. देखो अब हमने क्या करना है यहाँ पे, direct करवा रही हूँ मैं आपको. एफ आई इंटू डी आई लेना है और हमें गिवन क्या है इसमें कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी. द मीन पॉकेट अलाउंस इज रुपीज 18. मीन जो है मुझे यहाँ पे वो गिवन है 18 एंड आई हैव टू फाइंड आउट दिस अननोन क्वान्टिटी. तो एक्स आई इंटू एफ आई करेंगे. फर्स्ट वाला कितना आएगा, 12 7s are. कैलकुलेशंस बच्चे चेक कर लेना एक बार. अब इनका सम टोटल लो, समेशन एफ एंड समेशन एफ आई एक्स आई. अब यहाँ पे क्योंकि f आप ऐड करोगे तो प्लस f करके लिखोगे, सो दिस विल बी 44 प्लस f. इधर ऐड करके बताइए जल्दी से कितना आ रहा है इसमें, प्लस 20 f करोगे आप. ये वाली वैल्यूज जो हैं ये एज इट इज ऐड होंगी क्योंकि इनके साथ f है आपका. सम टोटल बताइए अब कितना आएगा इनका, बी क्विक. मेरी कैलकुलेशंस ये आ रही हैं, जस्ट डू चेक द कैलकुलेशंस वंस अगेन. अब फॉर्मूला हमारे पास है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई एक्स. हमें एक्स बार यानी कि मीन 18 गिवन है, एफ आई एक्स आई आ गया हमारा 752 प्लस 20 एफ अपॉन में दिस इज 44 प्लस एफ. ये वाली कैलकुलेशंस बच्चे एक बार दोबारा चेक कर लेना सभी. अब इनको सिंप्लीफाई कर लो. So you will get your answer. (792 + 18f = 752 + 20f). So this is 40 = 2f, f = 20. So f की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20. So frequency यानी कि जो missing frequency है आपकी that one is 20 over here. So this was your question number 3. आप चाहो तो इसको assumed mean वाले से भी कर सकते हो, उसमें थोड़ी सी calculations आपकी tough हो जाएंगी. So that's why I have told you this question with the
डायरेक्ट मेथड, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं था कि कौन सा मेथड आपने यूज करना है. इन दैट वी वर गिवन डायरेक्टली कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. सो हमने एफ आई एक्स आईज कॉरेस्पॉन्डिंग वंस को मल्टीप्लाई किया, उनका सम लिया. मीन का फॉर्मूला हमें पता है, समिशन फिक्सी अपॉन समिशन फी. मीन हमें गिवन था, समिशन एफ आई एक्स आई हमने निकाल लिया था 752 प्लस 20 एफ, समिशन एफ आई इज 44 प्लस एफ. यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया 18 इंटू 44, 792 प्लस 18 एफ इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ. सिंप्लीफाई करके एफ इज 20, सो द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 14.1. इफ स्टिल एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग. दोज हु आर हैविंग एनी डाउट ओनली दे विल स्टे एंड दे